गुरवे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनम्। प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं शिल भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिल गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से भगवान के बारे में भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को समझने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग निश्चय के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। निश्चय के बारे में यहाँ पर विचार कर रहे हैं, उसमें बताते हैं कि वास्तविकता में जीवों की दुर्गति को देखकर, दुर्गति इसलिए है कि जीव शास्त्र को स्वीकार करके शास्त्रीय आचरण करते हुए अपने जीवन को निर्दिष्ट दिशा में नियोजित कर पाने में सक्षम ना होने के कारण भगवान ने कृपा करके महज्जनों के मुखारविंद से, महज्जनों के आचरण के माध्यम से उन्हीं शास्त्रों को प्रकट कराया। मतलब जो शास्त्र जिनकी चर्चा जिनका चिंतन करने पर जीव का परम मंगल होता है, उनका ही मूर्तिमान स्वरूप में शुद्ध भक्तों के आचरण के माध्यम से प्रकाशित करवाया। और वही स्वयं भगवान जिन लीलाओं को प्रकट किया, उन लीलाओं के माध्यम से जगत को शिक्षा दिया जा रहा है। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, माया मुग्ध जीवेर नाहि कृष्ण स्मृति ज्ञान। माया के द्वारा जो मोहित व्यक्ति है उसको वास्तविकता में कृष्ण स्मृति ज्ञान नहीं है, ना होता है। ऐसे पतित जीवों के ऊपर कृपा करते हुए ही भगवान ने ये वेद पुराण इत्यादि को प्रकाशित किया, जिनके अंतर्गत तीन चीजों के बारे में उल्लेख आता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन।
इसीलिए बोल रहे हैं कृष्ण जो प्राप्य है वो संबंध है, और क्या भक्ति जो है वो अभिधेय है, और प्रयोजन प्रेम है, भगवत प्रेम, और वो ऐसी वैसी वस्तु नहीं है। बोलते पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन, ये प्रेम रूपी जो महाधन है वो क्या है, वो पुरुषार्थों में ही श्रेष्ठतम है। इस चीज को समझना है तो व्यक्ति को आत्म समाधि की ओर चलना होगा, या जो इन चीजों को समझेगा वो आत्म समाधि की ओर निकल पड़ेगा। अचिंत्य भावों को जानने के लिए केवल मात्र वेद प्रमाण ही ग्राह्य है। अचिंत्य वस्तु, उस चिंता से परे जो तत्व है, उसको समझने के लिए अगर वास्तविकता में कोई प्रमाण दिया गया है, वो केवल वेद शास्त्र ही बताया गया है। वेद मतलब ज्ञान, वेद मतलब वो विचार, वो सिद्धांत जो कि भगवान के इच्छा से, भगवान के हृदय से प्रादुर्भूत हुआ, जिनको भगवान ने प्रकट किया, वेदांत कृत। भगवान ते वेदों को, वेदांत को रचना करने वाला मैं ही हूँ। वेदेश च सर्वम अहमैव वेद्य, अगर इनके द्वारा कुछ वेद्य वस्तु, जानने योग्य वस्तु कुछ है तो वो मैं ही हूँ, और कुछ है नहीं, और इनकी रचयिता भी मैं ही हूँ। वो अद्वैत ज्ञान तत्व ही स्वयं अपने उस तत्व को प्रकाशित कर सकता है, मतलब वो अखंड ज्ञानमय स्वरूप भगवान ही अपने संबंधी जो ज्ञान है, या उनकी सृष्टि संबंधी ज्ञान इत्यादि वो स्वयं ही प्रदान कर सकते हैं। वास्तविकता किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि भगवान का तत्व को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर सके, यहाँ तक उन व्यक्तियों के अंदर भी नहीं है, उन व्यक्तित्वों के अंदर भी नहीं जिन्होंने वास्तविकता में भगवान को अनुभव किया। जो नहीं किया वो तो बोल ही नहीं सकता, जो अनुभव किया वो भी उसको पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर सकता। ये विशेषता क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उस परम तत्व को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द इस जगत में है नहीं। इसीलिए जितने मात्रा में प्रकट हुआ है वो स्वयं भगवान की इच्छा से ही प्रकट हुआ है, ये विशेषता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रमाण क्या है, वेद शास्त्र ही प्रमाण है, दूसरा कोई भी प्रमाण नहीं हो सकता। किंतु वो क्या है, वेद शास्त्र प्रमाण मतलब बहुत सारे उपदेश हैं, उनमें बहुत सारे उपदेश हैं, उनमें हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वास्तविकता में जो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त जो वेद है उसी को प्रमाण के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए बोलिए यहाँ पर आमनाई शब्द का प्रयोग किया, उसकी व्याख्या में यहाँ पर बता रहे परंपरागत ज्ञान। ऐसा नहीं है कि किसी ने ग्रंथ उठाया, चार बातें पढ़ लिया और उसके बाद वो अपने समझ के अनुसार कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं, नहीं तो मैं जवाब देता था। तो इसलिए जो व्यक्ति, मतलब इसमें एक विचार और भी आता है, परम पूज्य श्री भक्तनिकेतन
तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी से मैंने श्रवण किया था। महाराज श्री बतलाते हैं कि कीर्तन करने वाला या शास्त्र के उन निगूढ़ विचारों को प्रकाशित करने वाला, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति उस वस्तु का उपलब्धि प्राप्त किया ही हुआ व्यक्ति है। पूज्य महाराज श्री कहते हैं जो उस परंपरा में, परंपरा के अनुगत में चलते हुए उन परंपरा की शिक्षाओं को जो व्यक्ति कीर्तन करता है वो भी वास्तविकता में आमना वाणी के अंदर ही आता है। ये विशेषता है। यहाँ पर वेद शास्त्रों की स्वेच्छाचारी भाव से, स्वतंत्र भाव से अपने लॉजिक्स को डालकर, अपने समझ को लेकर जो व्यक्ति सिद्धांत निरूपण करने का चेष्टा करता है उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि वेद शास्त्र में बहुत तरह के बातों को वर्णन किया गया है व्यक्ति के अधिकार के अनुसार। भगवान ही कृपा करके व्यक्तियों के अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार वहाँ पर बहुत सारे विचारों को प्रकट किया गया, लेकिन उन विचारों में कौन से विचार को सर्वोत्कृष्ट माना गया, जिन विचारों को ग्रहण करने पर एक साधक का परम मंगल हो सकता है, वो हमें जहाँ से प्राप्त होता है उसी को आमनाई वाणी कहते हैं। वो परंपरागत ज्ञान जो कि भगवान के द्वारा प्राप्त और उसके बाद उसी वही साधना करते 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 भगवत भक्तों के द्वारा अनुभूति के साथ में जो संयुक्त है, एक होता है सिद्धांत जो कि दे दिया, बता दिया, जैसे वेदांत सूत्र है, वेद अपौरुष है, मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, भगवान ने उनको प्रकट किया और उसमें से सूत्र रूप में बता दिया। यद्यपि भगवान ने उसको प्रकट किया, लेकिन हमेशा इन चीज़ों के संबंध में जो ज्ञान है वो शुष्क ही दिखाई देता है। लेकिन वही जब हम लोग एप्लीकेशन में देखते हैं तो फिर बड़ा अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगता है। जैसे भागवत जी के लिए बता दिया अर्थोयम ब्रह्मसूत्रानाम, जब व्यक्ति ब्रह्मसूत्र पढ़ने का कोशिश करता है तो आसान नहीं होता उसको समझ पाना, उसमें रस लेके आना। लेकिन वही जब लीलाओं के माध्यम से, उपाख्यानों के माध्यम से श्रवण करता है तो फिर बड़ा अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सिद्धांत जो है वो भक्त के आचरण के माध्यम से प्रकाशित हो रहा है तो वो रसमयी हो जाता है। जैसे व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का रचना किया, भागवत जी का रचना किया उन्होंने, लेकिन कब रचना किया, जब सब कुछ करने का प्रयास करने के बाद भी जब उनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ तो बड़े दुखी मन से बैठे हुए थे, तो उनके गुरु कृपा से उनको भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। उस ज्ञान को उन्होंने मनन करना शुरू किया भक्ति के द्वारा, बिना किसी तर्क, प्रत्यक्ष अनुमान, कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा भक्ति सेवा वृत्ति के साथ में, समर्पण के साथ में जब उन वाणी का,
उन्होंने मनन करना शुरू किया, तब उन्होंने भागवत जी को प्रकट किया। लेकिन उनको वही भागवत, वो भगवान की वांग्मयी स्वरूप, वही भागवत जी उनको कब मधुर लगने लगा? जब सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से वो निकल करके आया, जब उनके मुखारविंद से निकल के आया। तो इसीलिए शास्त्र जो सिद्धांत है वो बहुत गंभीर है और बहुत व्यापक भी है, बहुत गहरा फैला हुआ। इसीलिए उसके अंदर उतर कर जो साधक जिस प्रकार के चीजों को लेना चाहता है उसके लिए उसकी अनुरूप जो विचार है उसमें मिल जाता है, चाहे कर्म का हो, ज्ञान का हो, योग का हो, तप का हो, त्याग का हो, भोग का हो, हर चीज मिल जाता है उसमें। भोग प्राप्त करना चाहता है तो शास्त्र में उसके बारे में भी उल्लेख है, कौन सी ऐसी चीज नहीं है। इसीलिए यहां पर बता दिया, वेद शास्त्र प्रमाण मतलब ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठाकर, जैसे कोई कोई जगह पर बलि के बारे में बताया, शास्त्र में है बलि क्यों नहीं दे सकते, इस तरह का विचार भी ले सकते देखा जाए। इसलिए यहां पर बता दिया, वो जो वेद शास्त्र है उसको जिसने अपने जीवन में उपलब्धि किया है और करते हुए जो एक परंपरागत विचार से लेकर के चल रहा है, वही ज्ञान जहां पर परंपरागत होके चल रहा है, वो बोलते हैं उसी ज्ञान को वास्तविकता में हमें समझना होगा कि प्रमाण है, और कोई प्रमाण नहीं माना जाएगा, उसी को प्रमाण माना जाएगा। भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपदेश हैं, समस्त प्रकार के अधिकारों में भक्ति अधिकार ही श्रेष्ठ है। हमने जैसे चर्चा किया बहुत सारे अधिकार होते हैं व्यक्तियों के, उसके अंतर्गत अलग अलग विचार है। कोई तमोगुणी है, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं ये तीनों ही गुणों के अधीन है, इसलिए कोई तमोगुणी है उसको उस तमोमयी स्थिति से उत्थान करने के लिए उसके लिए एक अलग प्रकार का उपदेश निर्दिष्ट है। जो रजोगुणी है उसके लिए अलग है, सतोगुणी है उसके लिए अलग है, और जो निर्गुण भूमिका में है, जो भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया, भगवान के जो निजी स्थान में वास करते हैं, गोविंद के चरणों का सहारा ले लिया जिन्होंने, जो निर्गुण भूमिका में, उनके लिए एक अलग स्तर का उपदेश निर्दिष्ट है। हमारे पूर्व पूर्व महाजनों ने भजन के प्रभाव से आत्मसमाधि द्वारा वेदों से भक्ति अधिकारी शिक्षाओं को छांट छांट कर पृथक रूप से संग्रहित कर रखा है, ये चयन किया है वो लोगों ने ऐसे ऐसे। इसीलिए भागवत जी को परमहंस संहिता बोलते हैं, मतलब है कि कंपाइल्ड लिटरेचर है भागवत जी। किसके द्वारा? परमहंसों के द्वारा। इसलिए बोले निगम कल्प तरु और गलितम, निगम रूपी जो कल्प तरु है उसका पका हुआ फल है, और महाजन वही है जिन्होंने उस पके हुए फल को पहचान करके चयन करके संग्रहित किया है, वो मूर्ख माली नहीं है, वो मूर्ख किसान नहीं है, जो भक्ति का बीज को हृदय में रोपण करके जब प्रेम का फल आता है उसको कच्चा तोड़ ले, वो परिपक्वता का प्रतीक्षा करता है और उसके बाद उस रस को आस्वादन करता है, ये उसका वैशिष्ट्य है।
तो हमारे महाजनों ने भी क्या किया, उन्होंने उन्होंने इनमें से वेदों में से अन्य अन्य शास्त्रों में से जो जो उपदेश प्रकट हुआ है उसमें से उन्होंने छाटा, छाट कर जो शुद्ध भक्ति के लिए अनुकूल है, जो उसके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है, उन्हीं को उन्होंने एक जगह इकट्ठा करके जगत के आगे प्रकट किया। जैसे हंस होता है, दूध और पानी को मिला करके ही रहता है, वो दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। जैसे एक भंवरा विभिन्न पुष्पों के ऊपर से जाकर वहाँ पे बैठ के वो उसमें से उस मकरंद को, उस अमृत को निकाल कर, शहद को निकाल कर एक स्थान में संग्रहित करता है। ये विशेषता है, भक्त भी ऐसा ही होता है। हमें इसीलिए बोला कि अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भक्तों के आश्रित होने पर, क्योंकि उनका आचरण ही सिद्धांत होता है, शास्त्र होता है। वो लोग शास्त्र से बाहर का आचरण नहीं उनका होता है। इस कारण से भजन के लिए जो जो अनुकूल है उसमें से वो लोग लेते हैं। और भी विशेषता है उनका, ये जो चयन भी देश काल परिस्थिति के अनुरूप होता है, वो समय के हिसाब से पात्र के हिसाब से होता है। वो लोग कभी भी, महापुरुषों का यही विशेषता है, वो लोग कभी भी अतीत में नहीं जीते, वो लोग हमेशा वर्तमान में जी रहे होते हैं और भविष्य का मंगल कामना करते हैं। इसीलिए आज से 100 साल पहले, 500 साल पहले जो स्तर था उस स्तर के हिसाब से चलने का प्रयास करते हुए व्यक्ति को भजन से विमुख नहीं होने देते, उल्टा वर्तमान समय में उसकी पतित दशा में किस प्रकार से वो उस पतित अवस्था के बीच में से कृष्ण सेवा में नियोजित हो सकता है, ऐसे उपदेश उनको देकर उनका उत्थान का प्रयास करते हैं। हर शिक्षा शास्त्र में है, लेकिन जिस समय लोगों की मानसिक दशा इतना भयंकर था, उस समय बुद्ध के रूप में आए और अहिंसा का उपदेश दे दिया, क्योंकि उस समय वही उपदेश लोगों को अपील करता था और उसके बाद उनको उद्धार करने की इच्छा से फिर उन्होंने महादेव जी को आदेश किया और महादेव जी का ही अभिन्न स्वरूप में आदि शंकराचार्य जी महाराज ने आकर जगत को फिर शास्त्रोन्मुख करने का प्रयास किया। जितने भी क्रम से जितने भी आचार्यगण आए हैं उन सब ने समाज को पतन से उत्थान की ओर ले जाने का ही चेष्टा किया, लेकिन विशेषताएं हैं उस समय पर जिस वस्तु का मांग है उसी चीज को शास्त्र में से निकाल कर उन्होंने वहां पर प्रकाशित किया। इसी कारण से वो लोग एक सफल आचार्य बने, इसी कारण से उनके जो अनगत चलने वाले लोग भी अपने परमार्थ का मार्ग में अपने आप को लाभान्वित कर सके। रिजिड चीज को ही फॉलो करनी है, डिवोशन मतलब है कि फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कॉम्प्रोमाइज अलग चीज है, समझौता नहीं है, भक्ति में समझौता नहीं होता, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होता है। तब जाकर के कोई वस्तु, कोई सिद्धांत स्थापित होता है, खड़ा होता है।
प्रकाशित होता है और लोग लाभान्वित भी होते हैं। अगर हम देखते हैं परम पूज्यपाद श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी, कोई सिद्धांत के विरुद्ध आचरण तो उन्होंने किया नहीं, उन्होंने कोई भी सिद्धांत के साथ समझौता भी किया नहीं, लेकिन उनकी प्रस्तुति में उन्होंने एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी रखा, जिसके चलते उनके समय में संपूर्ण विश्व ये हरिनाम के अंदर जो है ओतप्रोत हो गया पूरी तरह से। जानते हम सब किस प्रकार का क्रांति उन्होंने ये महाप्रभु के धारा में लेकर के आए हैं। महाप्रभु के बाद अगर कोई महाप्रभु के धारा के आचार्यों को स्मरण करता है तो संपूर्ण विश्व के अंदर सर्वाधिक रूप से उन्हीं को स्मरण करते हैं लोग। क्यों? समझौता कर लिया था ना, चार नियमों के ऊपर इतने पक्के तरीके से चले। ऐसा नहीं कि आप कॉफी पी लो, चाय पी लो, प्याज खा लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं चलेगा। नियम भी रखा और जगत को हरिनाम में उन्होंने डुबा भी दिया। कैसे? फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में, जहां उनको समझ में आया व्यक्ति की स्थिति को देखकर कि यहां इस तरीका से चलने से उसका लाभ होगा। पहली बात तो शुद्ध भक्त तो अपने लिए तो करते ही नहीं है कुछ भी, महतों का जो महापुरुष होते हैं उनका वास्तविकता में अपना क्या स्वार्थ होता है? कोई स्वार्थ नहीं होता। जो वृंदावन के अंदर आकर 12-15 साल राधा दामोदर मंदिर में बैठ के भजन कर सकते हैं और 65 साल से ऊपर का उम्र हो जिनका हो गया हो, वो आराम से अपनी शेष जीवन वहीं पे बैठ के भजन करते हुए कटा दे सकते थे, वहीं रह के काट सकते थे, लेकिन फिर भी इतना दूर यात्रा की। परम आराध्य श्रील गुरु महाराज जी भी, अन्य आचार्यगण श्रील गुरु महाराज जी भी जीवन के ऐसी उम्र में 70-75 के ऊपर के उम्र में विश्व यात्राएं आरंभ किया उन्होंने। हम तो इतने कम उम्र में जाके थक जाते हैं, इतनी देर विमान में बैठ के और इतनी इतनी देर गुरुजी बैठ के यात्रा करके, किस किस तरीका से लोग रहते थे, किसी की भावनाओं को नकारते हुए गुरुजी ने सबको कृष्ण नाम के उसमें लगा दिया। ऐसा होता है, तो इसलिए समय के अनुसार जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिन सिद्धांतों का आश्रय लेने पर व्यक्ति भगवत उन्मुखी हो सकता है, उन्हीं विचारों को उस समय निकाल कर वो लोगों ने प्रकाशित किया है, यही विशेषता है। वो लोग रिजिड नहीं होते, रिजिड एलिमेंट कभी भी सर्वाइव नहीं करता है, हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। एक पतित को उठाना है तो वो जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसको उठाने के लिए वहीं पे जाना पड़ेगा। मैं अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पे रहूँगा, आगे ही कलयुगी जीव है, संसार में फंसा हुआ सड़ रहा है। वो महापुरुष ऐसे नहीं होते हैं। वो लोग अपना पांडित्य, अपना अभिमान या अपनी साधना, किसी भी चीज को लेके उन्हें गर्व नहीं होता है। जितना जितना व्यक्ति कृष्ण के करीब जाता जाएगा, उतना ही उसके आसपास का संसार उसको कृष्णमय ही अनुभव होने लगेगा, है ना? वो हर जीव के अंदर स्थावर हो चाहे जंगम हो, वो हर जीव के अंदर कृष्ण का ही मूर्ति
दर्शन करने लगता है, अवलोकन करने लगता है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से सभी के प्रति उसके अंदर दया कम, प्रीति का भाव ज्यादा होता है। जिसके अंदर वो भगवान का अधिष्ठान देख रहे हैं उस पर दया कैसे करेगा, वो तो प्रीति करता है तब कि मेरे प्रभु यहां पर विराजमान है। उसके बाद वो व्यक्ति की पतित अवस्था को देखकर उनके हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होता है कि अरे ये अपने साथ में कितना अच्छा कर सकता था, ये भगवत अनुभूति को प्राप्त कर सकता था, ये अपने जीवन को लाभान्वित कर सकता था, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, तब जो उनके हृदय में जो पीड़ा प्रकट होता है वो पीड़ा ही दया का रूप ले लेता है। अपना उपलब्धि और जीव के प्रति दया, ये दोनों का जब एकत्रित होना होता है तब जाकर वो उन सिद्धांतों के बीच में से नियमों को बनाकर जगत कल्याण के लिए प्रस्तुत करता है। ये विशेषता है वहां पर। आचार्य मतलब वही लोग होते हैं जो ऐसा नहीं है कि एकदम कि रूप गोस्वामी के समय में जैसे रहे, हाँ कि तुम लोग जो है ज़्यादा नहीं खाना, पेड़ के नीचे रहना, ऐसे रहना वैसे रहना, ये सब गौण है, ये सब गौण है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद दोनों ही विचार को प्रकट किया उन्होंने। जहाँ वैरागी की जरूरत है, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी को उन्होंने जबरदस्ती करके बहुत महंगे जूते पहनाया, कोट पहनाया, सब कुछ पहनाया और स्वयं भी कोट पहना। नीचे चित्र भी है, कितने सुंदर लग रहे हैं लंबे से कोट पहन के, और उसके बाद वो जूते भी पहना है, जहाँ जरूरत है। लेकिन वही एक व्यक्ति जब इमिटेट करते हुए सस्ते से चप्पल लाके पहन लिया, उन्होंने उसको भी फेंकवा दिया, बोले नहीं फेंक इसको, क्यों पहनना है, पादुका ही पहनना है। प्रभुपाद जी के समय में सब पादुका ही धारण किया करते थे। बाद में भी मैंने सुना परम पूज्यपाद श्रील भारती महाराज जी से, महाराज जी का भी एकदम टूटा गला हुआ है, पादुका पड़ा हुआ था कलकत्ता में, वो कई साल यूज किया शायद उन्होंने, बाद में पता नहीं मिसप्लेस हो गया कहीं पे। महाराज बोलते थे हम लोग यूज करते थे, गुरुजी को भी देखा, काफी उम्र तक गुरुजी को लगभग 80 साल तक पादुका ही व्यवहार करते हुए देखा। तो जो हो, कहने का अभिप्राय प्रभुपाद जी का एक विचार काफी अलग स्तर का विचार रहा है, इसीलिए वो जगत गुरु हैं। उस समय का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, एक्टिव टेक्नोलॉजी है उस समय का, एक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो है न्यूज़पेपर। इसलिए उन्होंने डेली न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना शुरू कर दिया। कौन कर सकता है ऐसा, कितना एडवांस्ड होना चाहिए आदमी। हमसे एक मैगजीन के लिए कंटेंट प्रिपेयर नहीं होता, पिछले 3 साल से सिर मार रहे हैं कि भाषा नहीं सेट होता है, शब्द नहीं मिलते, बहुत झंझट है। और उस समय श्रील प्रभुपाद जी उस समय में उन्होंने डेली न्यूज़पेपर भी शुरू किया था। आज की डेट में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी रहते, प्रकट रहते, तो ये जितना भी फेसबुक वाला है, व्हाट्सएप वाला, या तो सबने हरिनाम दीक्षा ले लिया होता या पागल हो गए होते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने इतना उपदेश इनके माध्यम से, प्रभुपाद ऐसे जगत गुरु नहीं है, ऐसी परिस्थिति के अंदर भी उन्होंने सर्व अधिक, सबसे ज्यादा कंटेंट उन्होंने दुनिया को दिया। जिस समय भारत गुलाम था, भारत तो कभी भी गुलाम नहीं था, लेकिन भारत को जो गुलाम बनाने के लिए जो ब्रिटिश वालों ने प्रयास किया, मुगलों ने,
उस समय जब भारत का धैर्य का परीक्षा वो लोग ले रहे थे, उस समय बहुत सारे भारतवासी बहुत तनाव से ग्रस्त है। ऐसी परिस्थिति के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे उपदेश उन लोगों को दिया, ऐसी प्रेरणात्मक उपदेश दिया, उनके अंदर एक आध्यात्मिक जागृति की बात उठा करके खड़ा कर दिया। हम लोग कल परसों विचार कर ही रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस को भी उन्होंने प्रेरित कर दिया अपने उपदेशों से, अपनी शिक्षा से। रविंद्रनाथ टैगोर को भी इतना प्रभावित किया उन्होंने, जब प्रभुपाद जी का प्रवचन उन्होंने सुना, उन्होंने प्रभुपाद जी से ये बात कहा कि अगर आप स्वयं जाएंगे विदेश तो विश्व में अद्भुत प्रचार होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्तमान समय को देखते हुए आत्मकल्याण किस प्रकार से हो सकता है, जीव का मंगल कैसे हो सकता है, उन उपदेशों को उन्होंने वहां पर प्रकाशित किया, निकाला। उन चीजों को उन्होंने वहां पर प्रकट करा। यही महाजनों का विशेषता है, वो लोग फैनेटिक नहीं होते हैं, वो लोग सिर्फ लकीर के, वो क्या बोलते हैं उसको, लकीर के फकीर जैसे होता है, उस तरीके से नहीं होते। ये विशेषता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वयं निर्जला रहते हुए भी जन्माष्टमी के दिन बुजुर्गों को और असमर्थ लोगों को और बच्चों को, इन सब के लिए उन्होंने प्रसाद का व्यवस्था खूब किया। एकादशी में नहीं किया था, लेकिन जन्माष्टमी आदि तिथियों में उन्होंने किया। इसीलिए आज भी हमारे मठों के अंदर, कलकत्ता इत्यादि मठों में जन्माष्टमी के दिन खिचड़ी वगैरह बटता है। कई सारी चीजें ऐसे उन लोगों ने की है। अतएव पूर्व महाजनों ने जिन वेद वाणियों को भक्ति अधिकार के लिए लाभदायक बतलाया है, उन्हें सीखने और आचरण में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने जो बताया कि इन इन आचरण को लेके चलो, इन इन शिक्षाओं को लेके चलो, तुम्हारा परम मंगल होगा, उन शिक्षाओं को, उन आचरण को लेकर के चलना, उसी से हमारा लाभ होगा। महाजनगत सयेन पंथ, अपने दिमाग लगाकर या किसी योगी कर्मी ज्ञानी या अलग अलग विचारधारा को रखने वाले जो व्यक्ति, उनके इच्छा अनुसार चलने पर कभी भी लाभ नहीं होता है। अपना बुद्धि लगाने से लाभ नहीं होता। वास्तविकता में जिसको अपना मंगल करना है, उनके लिए एक ही उपाय है कि वो उन महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए चलना है। युधिष्ठिर महाराज ने यही बात बता दिया। अलग अलग ऋषियों का, अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। एक का कई बार दूसरे के साथ में मेल मिलाप भी नहीं होता। अब जैसे चार्वाक का विचार किसी से भी नहीं मिलता, जमनी का विचार अलग है, चार्वाक का अलग है, और किसी का अलग है, सबका अलग अलग विचार, किसी का किसी से भी मिलता नहीं। किसी का विचार कुछ है तो किसी का विचार कुछ है, कोई न्याय के उन्मुख है, कोई तर्क के उन्मुख है, कोई मीमांसा के उन्मुख है, कोई कुछ है। इसलिए यहाँ पर बता दिया हमें रास्ता कौन सा चयन करना है। बोलते महाजनों ने जिस रास्ता को दर्शाया है, उसी रास्ते के ऊपर हमें चलने से लाभ होगा। महाजन कौन है? वही व्यक्ति जो इन शास्त्रों के बीच में से शुद्ध भक्ति को एक्सट्रैक्ट करके, शुद्ध भक्ति के सूत्रों को उसमें से एक्सट्रैक्ट करके जो जगत के आगे परोसा है। जितने भी परमहंस हैं वो सब, इसीलिए बताया, उन्हें सीखने
अच्छी तरह से उनको समझकर उन्हें अपने आचरण में लाने की अत्यंत आवश्यकता है वर्तमान समय में। अन्यथा उनमें प्रवेश पाना कठिन ही नहीं, नितांत असंभव होगा। इसलिए महाजनों के उपदेशित मार्ग को छोड़कर और बातों को लेके लटकने का कोशिश करेंगे शास्त्र में है बोलकर, और बोलते तब भी व्यक्ति उसमें कभी भी प्रवेश नहीं पा सकता है, यद्यपि उसके अंदर ही है, ग्रंथ में है, कुछ ना कुछ है, कई सारी विचार है। मैं ये नहीं मानता, मैं अपने विचार से अपने दिमाग लगा के करूँगा, तो वो उपदेश उसको ब्रह्म की तरफ लेके जाएंगे, निर्गुण ब्रह्म की तरफ लेके चले जाएंगे, या किसी और दिशा में लेके चले जाएंगे, या नास्तिक भी बना दे सकते हैं एक समय। तो जरूरी नहीं कि वेद पढ़ के शास्त्र पढ़ के व्यक्ति आस्तिक ही हुआ है, शुद्ध भक्त ही हो गया है। सही तरीका से नहीं समझ पाया तो वही उपदेश उसके लिए हानिकारक भी होता है, वो नास्तिक के रूप में भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे कईयों को देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, बहुतों को देखा, क्योंकि वो अपने सीमित बुद्धि से उस अचिंत्य भाव को नहीं समझ पाए, अपने प्राकृत इंद्रियों के द्वारा उस अचिंत वस्तु गोविंद को और गोविंद की दिव्य लीला को नहीं समझ पाए। इसलिए भगवान ने बता दिया, अवजानंत इमाम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रित। जब मैं ये भौम लीला को प्रकट करने के लिए अवतीर्ण होता हूँ, मूढ़ व्यक्ति मुझे कहाँ समझ सकते हैं? और वही मूढ़ व्यक्ति, मतलब विकृत ज्ञान वाले जो व्यक्ति अपने पांडित्य के प्रभाव से, अपने व्याकरण आदि ज्ञान के प्रभाव से जब शास्त्र को समझने का चेष्टा करते हैं, वो अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। इसीलिए हम लोगों को शुरू से एक चीज सिखाया जाता है कि अपना दिमाग मत चलाओ। अगर तुम भजन करना चाहते हो, अपने दिमाग को, अपनी सोच को बाहर रखो, और उसके बाद जो शुद्ध भक्त, जो हमारे आचार्यगण हमें उपदेश दे रहे हैं, सिर्फ उस ताज़ा वस्तु को अपने अंदर भरने का कोशिश करो, तब जाकर के लाभ होगा। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। हाफ नॉलेज जो है बहुत भयंकर होता है, बहुत डेंजरस होता है। वो जहाँ अप्लाई करेगा वो भी हानिकारक है, वो जहाँ अप्लाई करेगा वो भी हानिकारक है, इसके अलावा उसके अपने समझ के लिए भी हानिकारक है। एक व्यक्ति बहुत निष्ठावान ब्रह्मचारी बना और इतना अच्छा आचरण उसका रहा है, इतना अच्छा आचरण उसका रहा, आचरण करते करते सब लोगों को प्रसन्न भी किया, फिर उसके बाद यत्याश्रम में भी प्रवेश किया, विदेशी था, संन्यास भी लिया। और ऐसा व्यक्ति जिसने संस्कृत सीखा, रशियन था, संस्कृत सीखा, बंगाली सीखा, फ्लुएंट बंगाली हरिकथा बोलता था, संस्कृत भी सीखा ताकि जो है श्लोक वगैरह खुद समझ सके, अंग्रेजी सीखा, हिंदी सीखा, कन्नड़ा भी सीखा, इंडियन लैंग्वेजेस कम से कम नहीं तो 4-5 तो यही सीख लिया था, क्योंकि मध्वाचार्य से संबंधित जितना भी साहित्य है वो सब कन्नड़ भाषा में ही सर्वाधिक उपलब्ध होने के कारण, संस्कृत में होने के कारण उसको समझने के लिए उसने कन्नड़ भी सीख लिया, हिंदी भी सीख ली हरिकथाओं को समझने के लिए, इंग्लिश भी सीखा, रशियन है जबकि कठिन है, और अभी ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, प्रभुपाद जी के जितने भी नदी प्रकाश आदि जितने भी वो सब पढ़ना शुरू किया, और आचार्यों को भी ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। हम तो देखा 24 घंटे में ग्रंथ पढ़ते 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 ऐसा हो गया, और आँख शीशे जो है इतना मोटा मोटा हो गया था,
जो चश्मे का शीशा इतना मोटा हो गया था मतलब, और ऐसा करके क्यों पूरा पढ़ रहा है। शेष में क्या हुआ, इसी धारा का विरोधी बन के निकला, क्योंकि उपदेशों के बीच में अपना सामंजस्य जो है वो नहीं बिठा पाया, वो हार्मनाइज नहीं कर पाया चीजों को, वो बीच में किस प्रकार से दोनों को रख। अभी जैसे एक शब्द श्रील नरोत्तम ठाकुर ने कहा, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर ब्रह्म। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, गौर अमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरी बोआमी प्रणय भगत संग। दोनों का विचार के अंदर एक तरह से बद्धजीव अपने बद्ध अवस्था से देखता है तो कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देता है। वो उधर बोले सब तो बेकार है, इधर बोल रहे मैं जाऊंगा, कैसे समझ में आएगा। जो उनके अनुगत जन, उनके आश्रित जन, वो लोग जब हमें उसके बारे में बतलाएंगे तब हमें समझ में आएगा। वो भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। क्यों? अपना बुद्धि लगाने के कारण। इसलिए यहां पर बताया, शास्त्र को समझने के लिए अनुगत करना सीखना होगा, नहीं है तो जीवन में कभी भी कोई भी तत्व, कोई भी सार हम लोगों को समझ नहीं आएगा। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतर भेश्च कृपा सिंधु भेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।